नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी कर। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। होम रेमेडी क्या होती हैं? बहुत होती हैं। कहां तक आप यूज़ करोगे? वो यूज़ करो जो चीज़ें आपके पास रेगुलर अवेलेबल हों और जो आपकी त्वचा को किसी भी तरह से नुकसान ना करें बल्कि फ़ायदे ही करें। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको लेना है टमाटो और लेमन। आप सभी के घरों में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। टमाटो का आप अच्छी खासी क्वांटिटी में जूस निकाल सकते हैं, जैसे जितना आपके फेस के लिए इनफ हो। सेकंड, लेमन की आपको 4 से 5 ड्रॉप लेनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो 2 ही ड्रॉप लें। इनको अच्छे से मिक्स करके जैसे टोनर वगैरह लगाते हैं अपने चेहरे पे लगा लें नाइट में फेस को वॉश करने के बाद में, और रात भर के लिए छोड़ दें, लगे रहने दें, क्या प्रॉब्लम है ना। कोई भी क्रीम वगैरह इसके साथ यूज़ नहीं करनी। आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, जो भी दाग धब्बे हैं आपके चेहरे से सब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। मैं अपने पर्सनल यूज़ से बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, इन दोनों में होती है विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी स्किन को विटामिन सी मिल रही है ना, कभी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है। और इसके ज़रिए मेरी स्किन को विटामिन सी भी मिल जाती है, तो जो भी एक्ने पिंपल्स कभी कभार होते हैं, सभी को होते हैं, तो उसके स्पॉट भी रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा मेरी मदद करते हैं। तो बस थोड़ी सी केयर अपनी स्किन की कर लो, स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इतना करके आप आराम से सो जाइए। अब यार, इन सारी सिचुएशन में कौन अपनी स्किन केयर ढंग से कर पा रहा है? सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही हैं, डाइट भी अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रही है, तो आपकी जो स्किन का नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ग्लो है, वो कम होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों से आप अपनी स्किन को ब्राइट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। तो पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।